बेटे को टिकट नहीं मिलने पर सागर से बीजेपी के पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने बीजेपी हाई कमान को अंधा, बहरा और तानाशाह तक बोल दिया। अंधा भी बोला, बहरा भी बोला और तानाशाह भी बोल दिया, और कभी बीजेपी के टिकट पर सांसद बने। पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के बेटे सुधीर यादव पिछले 4 साल से बंडा विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, विधायक बनने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने बंडा से वीरेंद्र लोधी लंबरदार को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिसके बाद से सुधीर यादव बगावती तेवर अपनाए हुए हैं, गुस्सा फिरे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सुधीर कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी और भीम आर्मी जैसे दलों से टिकट के जुगाड़ में लग गए हैं। यानी टिकट चाहे जहां से मिल जाए, बस विधायकी चुनाव लड़ना है, चाहे आम आदमी पार्टी से मिल जाए, चाहे कांग्रेस से मिल जाए, और अगर यहां ना बात बने तो भीम आर्मी से ही मिल जाए, लेकिन लड़ना है चुनाव। इस वक्त पर भाजपा का हाईकमान बहुत विचित्र स्थिति का है, वो अंधा, बहरा और पूरा तानाशाह है। हम किसी का प्रचार नहीं करेंगे, घर रहेंगे, घर रहेंगे, वैसे भी हम घर ही रहते हैं।